आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माई गार्डन में। दोस्तों, आप जो ये बेल देख रहे हो उसका अभी सीजन चल रहा है। ये दोस्तों लौकी की बेल है और इसमें अच्छे खासे फ्रूट भी लगे हैं, अच्छी खासी लौकी की भी लगी है दोस्तों। और ज़्यादातर दोस्तों इस तरह के जो राउंड शेप में लौकी होती है दोस्तों, वो आपने बहुत ही कम देखी होगी। लंबी चौड़ी जो आती है वो ज़रूरी देखी होगी और इसकी सब्जी भी आपने ज़रूरी खाई होगी दोस्तों। दोस्तों ये जो राउंड शेप में लौकी होती है वो वैसे तो छोटा फ्रूट हो दोस्तों तभी ही सब्जी बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो फ्रूट है वो बड़ा हो जाए तो ज़्यादातर दोस्तों इसमें से सीड कलेक्ट करते हैं। वैसे तो हाइब्रिड वेराइटी में दोस्तों सीड भी बहुत ही कम जगहों पर ही कलेक्ट होते हैं, तो ज़्यादातर इसको सीड कलेक्ट कर लेते हैं या तो दोस्तों दूसरा भी इसका यूज़ है। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो उस वीडियो का भी दोस्तों मैं लिंक है वो एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर दोस्तों देख लीजिएगा कि इसका मैंने कैसा बेस्ट यूज़ किया है। पहले तो दोस्तों अच्छा खासा इसे हमें सूखने देना चाहिए, उसके बाद ही उसका यूज़ होगा। तो किस प्रकार का क्या यूज़ मैंने किया है दोस्तों, वो एंड स्क्रीन में मैं वीडियो दे दूंगा। दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि मैंने इसके लिए दोस्तों जो चिड़ियों का घोंसला होता है वो बनाया है, वो ज़रूरी वीडियो देखिएगा। ये दोस्तों पकने के बाद इसका जो दोस्तों स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो चिड़ियों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और वैसे भी दोस्तों पकी हुई या तो बहुत ही बड़ी हुई लौकी होती है वो सब्जी बनाने के लिए अच्छी नहीं रहती है, छोटा फ्रूट हो तभी जाके ही दोस्तों इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी खासी फैली है और धूप में तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खासी फैलती है, और ये नेचुरल खेतों पे उगी हुई है दोस्तों, तो इसके फ्रूट भी बहुत ही बड़े हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।